पाकिस्तान में बेरोजगारी, भर्तवी, महंगाई, करप्ट माफिया और नाइंसाफी के खिलाफ जमात इस्लामी के जेर एहतमाम दो रोज़ा एहतजाजी कैंप लगाया गया, जिसमें जमात इस्लामी के अहदेदारान, ताजरान और शहरियों की कसी तादाद ने शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी जिला ननकाना हाफिज हबीब ज़िया की क़यादत में एहतजाजी कैंप मेलाद चौक गोल चक्कर में लगाया गया। एहतजाजी कैंप में डॉक्टर राशिद फारूक उम्मीदवार NA 110, मलिक असलम उम्मीदवार PP 133, मियाँ वसीम रमजान उम्मीदवार PP 132, मलिक रशीद अंजम जनरल सेक्रेटरी सिटी ननकाना, कारकुनान जमात इस्लामी, दिगर सियासी समाजी शख्सियात, ताजर बरदरी और शहरों की कसी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। जमात इस्लामी के अहदेदारान ने दौरान कैंप गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत की नाकस पॉलिसियों की वजह से लोग फाकों से मर रहे हैं और खुदकशी करने पर मजबूर हैं। महंगाई की शरह में इजाफे के साथ साथ खुदकशी की शरह में भी इजाफा बढ़ रहा है। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि गैस, बिजली, पेट्रोल और दीगर खुर्दनोश की अशिया की कीमतों में इजाफा फौरी तौर पर वापस ले और नौजवानों को मुनासिब रोजगार फराहम करे। करप्ट माफिया अपनी अय्याशियों को खत्म करके आवाम को इंसाफ मुहैया करे और महंगाई पर काबू पाए।